बदतमीजी कर रहा सर जी आया खलोतिया मैं मोटरसाइकिल खिलाड़ी आगे तो गाला गलिया शुरू हो गया मोटरसाइकिल लाओ मैं यार एक मिनट खलो यार तेरी मेहरबानी चपेट कट मारी समूह ऐसे नहीं आपने तो पर मारा इसे सामने देख लो निशान मेरे मुंह होते स्पोर्टी वाला बंदा हां इन्हें मेरा एहसास नहीं किया मेरी स्पोर्टी का साथ नहीं किया चकने लगाने दे रहा मुझे गाली गलोच शुरू कर दी एहो जी कमरे चले बस 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 हो गाड़ी रखे चाचा जी ठंडे हो जाओ झूठ बोलना पे तू मैं मोटरसाइकिल कर रहा था ये नहीं बोला मगर चाचू जहाँ पे ना लगा उन्होंने बोला वो तुम ही करा लोहरिया बांध गया 10 किलो आटे के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे कपड़े फट रहे हैं यहाँ पे इज्जतें लूट रही हैं बाबा जी की होया की है होया की बदतमीजी कर रहा सर जी आएगा खलोतिया मैं मोटरसाइकिल खिलाड़ी आगे तो गाला गलिया शुरू हो गया मोटरसाइकिल लाओ मैं कहा यार एक मिनट खलो यार तेरी मेहरबानी चपेट कट मारी समूह किसने ऐसे नहीं बस सुनो इधर आपने तो पर मारा इसे हां सामने देख लो निशान मेरे मुंह होते हैं ऐसे ने मारा था पर कौन खोता मेरे बंदा उन पूछो तू ये ने जाती की थी चाचा बंदे बंदे बोलो मैं कोई गाली की थी आपने थप्पड़ मारा मैं कहता क्या मैं स्पोर्टी कार्ड स्पोर्टी वाला बंदा हां इन्हें मेरा एहसास नहीं किया मेरी स्पोर्टी का साथ नहीं किया आप भी सिक्योरिटी मैं स्पोर्टी का हूं चाचा इधर मेरी गाल भाई की बात सुने भाई क्या कहना चाह रहे हैं मैं तेरी ना माजरत कर रहा मैं सर मैं माजरत कर लेना लेकिन अच्छा अच्छा का नहीं है गाल मैं माजरत अच्छा तरीका नहीं है आप यहां पे एम्प्लॉई हैं भाई जी एम्प्लॉई हैं मेरे सिविल में ड्यूटी है आप क्या सिविल में ड्यूटी है अच्छा सिविल में आपकी ड्यूटी है 7700 बंदे आने ने हर बंदे ने बदतमीजी करेगा मैं तेरी ना माजरत कर रहा हूं अब ये पार्किंग पे बंदा खड़ा हुआ है लेकिन आपको खुद ख्याल करना चाहिए कि ये आवाम आ रही है आवाम पहले थोड़ा तंग हो रही है आप उसे थप्पड़ मार दोगे अवाम बोली अवाम ने 18 मुझे गालियां दी हैं इसने भी मुझे मारा ये आपको कोई अलाउ तो नहीं करता कुछ मारना ये कपड़े किसने फाड़ दिए हैं कपड़े चाचा जी ने फाड़ दिए हैं चले ठंडे हो जाए आपको पता है अंदर जाके बड़े गर्म होने हैं मेहरबानी अभी बहुत तंग होने हैं लेकिन एहतियात करें गर्मी देखिए कितनी है रमजान का महीना है बस सुनो बस ये ना मैंने मुझे बोला चाचा जी जहाँ पे गेट के सामने ना सरकारी बंदे भी आते हैं वैसे भी आते हैं गेट के सामने जो भी अलाउ नहीं है अगर तू बदतमीज है पता नहीं घर से आपने अपने कपड़े भी फिरवा लिए थप्पड़ मार के रोजा रखा हुआ है हाँ नहीं उसने गालियां दी हैं रोजा रखा हुआ मेरे भाई ने क्या हाँ। गालियां कोई ऐसे तो नहीं ना देता वो कह रहा है कि मुझे मोटरसाइकिल नहीं लगाने दे रहा मुझे गाली गलोच शुरू कर दी एहो जी कमरे चले बस 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 तू गाड़ी रखे चाचा जी ठंडे हो जाओ झूठ बोलना पे तू ठंडे हो जाओ ठंडे हो मेरी गाल सुन मेरी गाल झूठ बोल रहे हैं चलो खैर ठंडे हो जाओ फिर रोजेदार बंदे का ख्याल करें अगर अच्छा ठंडे हो जाए आप ठंडे हो जाए और आपको पता है कि ये गर्मा गर्मी का मौसम है और यहाँ पे जो है आटे अगर वो झूठ बोल रहा है ना तो ना मुझ पे अल्लाह की लाना तो हाँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना मुझे नहीं अल्लाह ताला आप अल्लाह ताला भी बात सुने रमजान का महीना अल्लाह ताला आप दोनों पे रहम करे और ये बात कुछ और जब मैंने वो बोला यहाँ पे चाचू ना लगा मैं मोटरसाइकिल कर रहा था ये नहीं बोला मगर चाचू यहाँ पे ना लगा उन्होंने बोला वो तो फिर लोहरिया बन गया कोई इंसान ही तो दिया इन लोगों में इंसानियत ही नहीं है चले खैर है कोई नहीं एक दूसरे का एहसास करें अच्छा जी ये वो सूरत हाल है कि अगर आटा मिल रहा है तो आटा मिलने के दौरान लोग पहले ही बहुत गर्म होते हैं ऊपर रमजान का महीना है और जब इतनी सी लंबी लाइनों में लग के आटा लेना है तो लोगों का वैसे ही पारा आई हुआ होता है लोग परेशान होते हैं गर्म होते हैं और अभी मैं देखता हूँ कि मामला क्या थे लेकिन कोशिश की है उनको हल करवा दिया और अंदर भेज दिया क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा भारे थे तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे और ऐसे हालात से अल्लाह ताला बचाए के 10 किलो आटे के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे कपड़े फट रहे हैं यहाँ पे इज्जतें लूट रही हैं और गाली गलौज सुना पा रही हैं अब 10 किलो आटा बुजुर्ग लेने आया था और पार्किंग वाले ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया खींच के लेकिन पुलिस एहलकार मौजूद थे जब वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हमारा काम था दिखाना अब आपके सामने सूरत हाल है।